हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि फंक्शन किस तरीके से कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तो है, बट वो कौन से टाइप का डिसकंटिन्यूअस है, कि उसकी टाइप कौन सी है। तो आज हमारा जो वीडियो है वो स्पेशली इसी के ऊपर है कि हमारा फंक्शन किस तरीके से डिसकंटिन्यूअस है। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी अगर हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो किस टाइप का डिसकंटिन्यूअस है। तो आप देखो, यहाँ पे हम इसकी दो कैटेगरी ले रहे हैं, ठीक है, एक ए कैटेगरी रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, और दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो है नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। हमारे पास जो कॉन्टिन्यूटी है वो हम दो टाइप से डिस्कस करते हैं। कौन सी फर्स्ट कौन सी है? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। सेकेंड जो इसकी टाइप है वो हमारे पास है नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। आज हम दोनों ही टाइप डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी की। तो कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी होती है जो रिमूवेबल है, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं? इसके नाम से ही पता लग रहा है ना कि इसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी होती है रिमूवेबल, उसकी बात करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट्स। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और ए के ऊपर हम उसकी लिमिट फाइंड करेंगे, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, वो क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट होनी चाहिए, ठीक है, वो एग्जिस्ट है, बट एफ ऑफ ए नॉट डिफाइन। फर्स्ट केस, इसका जो फर्स्ट केस है वो हमारे पास क्या है कि रिमूवेबल को चेक करेंगे तो हमें सिर्फ यही देखना है कि हम फंक्शन की लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों हमें फाइंड होगी और दोनों इक्वल होंगी। तो लिमिट तो क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। बट जब हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए, ठीक है ना, वो क्या है? नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बट फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? नॉट डिफाइंड है। तो फंक्शन कैसा है? डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना। तो जब फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन है और लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं? मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी नॉट डिफाइंड। और ये भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए नॉट गिवन, ये केस हो सकता है, एक ही बात है, यानी एफ ऑफ ए नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं है, या फिर एफ ऑफ ए गिवन ही नहीं है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना, तब हमारे पास रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। और उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है? मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और एफ ऑफ ए नॉट डिफाइन है और एफ ऑफ ए नॉट गिवन। अगर ऐसा है तो मिसिंग पॉइंट है। इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। अब आप यहां से ग्राफ देखें, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस। हम क्या ले रहे हैं? एक ग्राफ ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि हमारे पास एक पॉइंट है टू, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है? थ्री। अब आप देखना इस पे
कि जब हम लेफ्ट लिमिट की बात करेंगे 2 से इधर, किसके ऊपर? 2 के ऊपर, तो यहाँ से देखो लेफ्ट लिमिट कहाँ जाके एग्जिस्ट होगी? 3 पे, इस पॉइंट पे जा रही है। और राइट लिमिट की जब बात करेंगे तो वो भी कहाँ पे आ रही है? 3 के ऊपर आ रही है। तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब जो हमारे पास लिमिट है इस फंक्शन की, किसकी? एफ ऑफ एक्स की, वो हमारे पास क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितनी है? 3। तो लिमिट तो 3 है, बट यहां पे देखो ग्राफ में होलो पॉइंट है एक, ठीक है, किसके ऊपर है ये? 2 के ऊपर। यानी अब यहां पे देखो ग्राफ क्या हो गया? ब्रेक हो गया। और यहां पे ऊपर नीचे भी देखो अपने पास कोई भी, क्या देख पा रहे हैं आप? कोई भी वैल्यू नहीं है किसके ऊपर? एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहां पे क्या नहीं है? एफ ऑफ ए नॉट गिवन, यानी यहां पे गिवन ही नहीं है, और या फिर कहें तो डिफाइन ही नहीं है यहां पे, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? एंड एफ ऑफ 2 इज नॉट गिवन। तो देयरफॉर मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, कैसी है ये? मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी है। फर्स्ट टाइप रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी का हमारे पास क्या है? मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास नहीं होगी या डिफाइन नहीं होगी, तो हमारे पास जो डिसकॉन्टिन्यूटी है वो कैसी है? मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, इसको हम ग्राफ से भी समझ चुके हैं कि हमारे पास 2 पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है, बाकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट लिमिट कितनी है? 3, और राइट लिमिट भी अपने पास कितनी है? 3, ठीक है। तो इस तरीके की डिसकॉन्टिन्यूटी कैसी होगी? मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया किसका? रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको रीडिफाइन करने की, क्या डिफाइन करने की? रीडिफाइन करने की, कि हम कह रहे हैं ना रिमूव कर सकते हैं, अब इस डिसकॉन्टिन्यूटी को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, देखें। अब हमारे पास बाई रीडिफाइन, हम वापस से इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं? रीडिफाइन कर रहे हैं। तो देखें एफ ऑफ एक्स में हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू 2 के ऊपर, किसके ऊपर? x इज नॉट इक्वल टू 2 के ऊपर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है। और पहले दी हुई नहीं थी 2 पे वैल्यू, अब हम क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। तो यहां से अब आप देखें कि लेफ्ट लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 3, और राइट लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 3, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2 पे, वो भी अपने पास कितनी है? 3। तो यहां से जब आप देखेंगे कि दोनों वैल्यूज हमारे पास कितनी है? 3 है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन की वैल्यू भी हो गई, ठीक है ना। तो अब ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल भर गया कि नहीं भर गया, ठीक है। अब ये पॉइंट कैसा हो गया? डार्क हो गया, ठीक है। अब ये कैसा हो गया? डार्क हो गया। अब ये कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। तो देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, 2 के ऊपर ये फंक्शन हमारे पास कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूस हो गया। तो इस तरीके से हम इस डिसकॉन्टिन्यूटी को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूव तभी होगी जब लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, सिर्फ मैटर किसका हो? एफ ऑफ ए का हो, वो एफ ऑफ ए के मैटर 2 टाइप से होंगे। क्या होंगे? 2 टाइप से, कि वो नॉट डिफाइंड है या नॉट गिवन है या फिर आइसोलेटेड है। तो फर्स्ट की बात हमने कर ली रिमूवेबल में कि वो मिसिंग पॉइंट है, अब हम बात करेंगे पॉइंट आइसोलेटेड है, ठीक है ना। दूसरा टाइप रिमूवेबल में, तो फर्स्ट मिसिंग पॉइंट और दूसरा इसका टाइप है आइसोलेटेड पॉइंट
डिसकॉन्टिन्यूटी, कौन सी? आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। अब आइसोलेटेड में क्या है, अब आप देखें, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ ए, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, बट ये जो लिमिट एग्जिस्ट हो रही है वो किसके इक्वल नहीं है, एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा केस बनता है तो वो कैसा है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी है। अब आप देखें ग्राफ के थ्रू इसको, ये हमारे पास वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 2 है, यहां पे ये वैल्यू 3 है और यहां पे हमने पॉइंट ले लिया, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है। अब आप देखें x इज इक्वल टू 2 पे लेफ्ट लिमिट क्या है, किसमें अप्रोच हो रहा है, 3 में, और राइट लिमिट भी हमारे पास कितनी है, 3 है, बट फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है x इज इक्वल टू 2 पे, वो हमारे पास देखो कितनी है, 4 है। लिमिट एग्जिस्ट हो रही है लेकिन पॉइंट यहां होना चाहिए, लेकिन वो आइसोलेटेड हो रहा है, ठीक है, फ्लक्चुएट हो रहा है ऊपर या नीचे, तो ऊपर है यहां पे, तो कितना है, 4, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू भी है और लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, बट वो किसके इक्वल नहीं है, लिमिट के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो देयरफोर आइसोलेटेड डिसकॉन्टिन्यूटी, क्या कह सकते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या नहीं है, नॉट इक्वल्स टू, आपस में इक्वल नहीं है, कौन कौन, ये लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो जब हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन हो बट वो लिमिट के इक्वल नहीं हो, ऐसे केसेस में हम क्या कहेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई। अब यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखें आप, By redefine, कैसे कर रहे हैं redefine, f of x, अब आप देखें ये तो वैल्यू कितनी है, 3 है, और x is not equals to 2 पे, और ये वैल्यू भी हम 4 की जगह क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, continuous, f is continuous at x इज इक्वल टू 2। तो अब हमने जो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी थी उसको हमने क्या कर दिया, रीडिफाइन कर दिया फंक्शन को, तो अब ये पॉइंट उतर के कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो डिसकॉन्टिन्यूटी है वो कैसी है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, ओके। तो रिमूवेबल दो टाइप की, मिसिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। अब हम जो सेकंड टाइप जो डिसकॉन्टिन्यूटी है उसको डिस्कस करने से पहले कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखें एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स, ये हमारे पास है फंक्शन है। अब हमें एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे लिमिट चेक करनी है। देखो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे एफ ऑफ 0, तो ये क्या हो गया, साइन 0 अपॉन 0, 0/0, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन, क्या नहीं है ये, नॉट डिफाइन, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, तो लिमिट
x टेंस टू जीरो, तो साइन x अपॉन x क्या आएगी, तो फिक्स लिमिट है मेरे पास, कितनी होती है वन, तो लेफ्ट भी वन और राइट भी वन, ठीक है, माइनस का ही तो फर्क आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगी, यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन एक्स बाई एक्स तो वन। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जीरो, ये क्या हो गई, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ ए, या कहें एफ ऑफ एक्स क्या हो गई, एग्जिस्ट, लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है, बट अब एग्जिस्ट हो गई तो कौन सी हो गई, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई, कैसी हो गई, रिमूवेबल, ठीक है, बट एफ ऑफ जीरो नॉट डिफाइन, तो ये कैसी हो गई, नॉट डिफाइन हो गया, ये एग्जिस्ट हो गई, तो ये क्या आएगा, मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, ये कैसी हो गई, मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई। तो ये हमारा फंक्शन था x इज इक्वल टू जीरो पे, ये नॉट डिफाइंड है फंक्शन की वैल्यू, लेकिन लिमिट इसमें क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, तो हमारे पास कैसी हो गई, मिसिंग पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं, इसको रीडिफाइन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रीडिफाइन कर देते हैं, कंटिन्यूस बनाते हैं, तो कैसे बन जाएगी, बाय रीडिफाइन, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स था किसके ऊपर, लेफ्ट लिमिट पे और राइट लिमिट पे, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसको भी हम क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे, कि ये फंक्शन किसके ऊपर, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वन है, और लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है तो वो वन है, तो देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो इस फंक्शन को हमने क्या कर दिया, रीडिफाइन करके इसको कॉन्टिन्यूस बना दिया, तो ये कैसी हो गई, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है ना, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, यहाँ पे हमारे पास कितना है थ्री, एक्स इज इक्वल टू वन। अब यहाँ से अब आप देखें, जब हमारे पास एक्स इज नॉट इक्वल टू वन है, यानी यहाँ वन लेना ही नहीं है, अगर वन लेते तो वन माइनस वन क्या हो जाता, जीरो, नॉट डिफाइंड कंडीशन आ जाती ना, तो यहाँ से अब हम इसके फैक्टर कर सकते हैं ना ऊपर, तो हमारा जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू, देखें आप इसमें एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, और ये थ्री, एक्स इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन आ गया वो क्या आया, एक्स प्लस वन, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, और ये थ्री, एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, लिमिट्स क्या करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे लेफ्ट लिमिट भी और राइट लिमिट भी, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट हम जब फाइंड करेंगे इसके अंदर, तो अब आप देखेंगे, ये वैसे देखें तो ग्राफ के थ्रू देखें तो ये हमारे पास जो पॉइंट है वो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन हो गया, ये फंक्शन, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, y इज इक्वल टू, इसको मैं एक बार यहां से ले लेते हैं अपन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो ग्राफ कैसा बनेगा देख लेते हैं अपन, इसमें x और ये y, ठीक है। अब देखो ये आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा, ठीक है ना। फंक्शन क्या था हमारे पास, था एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, और ये थ्री है, एक्स इज इक्वल टू वन। तो यहां पे देखें ये लाइन हो गई वाई इज इक्वल टू एक्स, लेकिन क्या नहीं लेना, एक्स इज इक्वल टू वन पे वैल्यू है ही नहीं, नॉट डिफाइंड है, देखो वन माइनस वन और वन जीरो बाई जीरो, तो ये वन है, वन के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो हमें लेनी नहीं है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, वन के ऊपर, ऊपर वाला ग्राफ वन के ऊपर नॉट है डिफाइंड है, तो यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं,
किसके ऊपर नहीं है पॉइंट, इसके ऊपर नहीं है, ठीक है, तो ये वन के ऊपर पॉइंट है ही नहीं, तो ये होलो पॉइंट हो गया। बट वन के ऊपर पॉइंट कितना है, थ्री। तो यहां पे जब आपके पास इसकी बात करेंगे तो हमारे पास कितना है, ये पॉइंट, लिमिट की जब अपन बात करेंगे इसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो यहाँ पे वन प्लस एच टू हो जाएगा, ठीक है, ये टू, और ये कितना बता रहा है, थ्री बता रहा है, यहाँ पे कितनी बता रहा है, थ्री। तो यहाँ पे आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, थ्री एक्स इज इक्वल टू वन, वन है ही नहीं यहाँ पे, तो ये दोनों क्या कर दिया, कैंसिल एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, तो x इज नॉट इक्वल टू वन पे x प्लस वन है, तो ये लाइन हो गई x प्लस वन, y इज इक्वल टू x प्लस वन, ठीक है। अब यहां पे 1 के ऊपर पॉइंट क्या है ही नहीं इस पे, ऊपर वाली लाइन के अंदर, तो इसको नहीं लिया, लेकिन x इज इक्वल टू वन पे वैल्यू कितनी है, 3 है, कितनी वैल्यू है, 3, तो ये वैल्यू हमने 3 ले ली। अब यहां पे देखो लिमिट किस में एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट 2 में, और राइट भी किस में कर रही है, 2 में, तो लिमिट तो एग्जिस्ट हो गई, तो क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x कितना है, 2, बट f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, कितना है, 3। तो इसका मतलब यहां पे पॉइंट क्या है, आइसोलेटेड, क्या है यहां पे पॉइंट, आइसोलेटेड है। तो ये पॉइंट कैसी है, ये दोनों आपस में क्या है, नॉट इक्वल टू, आइसोलेटेड डिस कॉन्टिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, रीडिफाइन कर लेते हैं, रीडिफाइन कर दिया हमने इसको, तो रीडिफाइन करने से हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या बन गया, सिंपल सी बात है कि ये तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, और इसको थ्री की जगह अपन क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस, देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, बट कैसा, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है, और इसको रीडिफाइन करने पे हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल थे, तो हमारे पास कंप्लीट हो गई क्या, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, क्या, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल का मतलब क्या है हमारे पास, कि लिमिट एग्जिस्ट करे लेकिन फंक्शन की वैल्यू अगर नॉट डिफाइंड है या गिवन नहीं है तो मिसिंग पॉइंट, अगर गिवन है बट लिमिट के इक्वल नहीं है तो आइसोलेटेड पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी। अब हम करते हैं सेकेंड टाइप जो हमारे पास थी, नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। अब यहां से आप इसको ऐसे समझेंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी लिमिट्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये भी लिखते हैं लिमिट को, लिमिट x tends to a minus fx is not equals to limit x tends to a plus f of x, यानी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों आपस में क्या नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब इक्वल नहीं होने के केसेस क्या क्या हो सकते हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला केस हमारे पास ये हो कि लिमिट LHL एंड RHL आर फाइनाइट, अगर हमारे पास कैसी हैं, फाइनाइट हैं, देन फाइनाइट टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी, कौन सी, फाइनाइट टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी हमारे पास कौन सी आएगी, फाइनाइट टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी। तो पहली जो नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है, नॉन रिमूवेबल को समझना है तो इसका मतलब लिमिट है ना वो दोनों इक्वल है ही नहीं, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी तो नॉन रिमूवेबल होगा।
और लिमिट किस किस तरीके से नॉट एग्जिस्ट होंगी या डज नॉट एग्जिस्ट होंगी उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला, अगर लिमिट LHL और RHL फाइनाइट है बट कैसी है, नॉट इक्वल्स टू है, कैसी है, नॉट इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास कैसा आएगा, फाइनाइट टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी। तो और दूसरी, एट लीस्ट LHL और RHL इज इनफाइनाइट देन, इनफाइनाइट टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या बात कर रहा हूं मैं यहां पे, कि यहां पे तो दोनों फाइनाइट है और इक्वल नहीं है, तो कैसी, फाइनाइट टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी। और यहां पे LHL या फिर RHL दोनों में से एक, या फिर दोनों भी हो सकती लेकिन अलग अलग, कैसी है, इनफाइनाइट है। जैसे इन्फिनिटी आ जाए, माइनस इन्फिनिटी आ जाए, ऐसे केसेस में हम क्या कहेंगे इसको, इनफाइनाइट टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या कहेंगे, इनफाइनाइट टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी। और अब हम बात करते हैं थर्ड, इफ लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज नॉट फिक्स्ड, यानी हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं LHL और RHL, लेकिन वो क्या है, फिक्स्ड नहीं है, हम उसको लिख नहीं सकते कि ये 2 आ रही है या फिर कितनी आ रही है, 3 आ रही है या फिर -1 आ रही है, -2 आ रही है, तो वो फिक्स्ड नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, ऑसिलेटेड, क्या होगी, ऑसिलेटेड डिसकॉन्टिन्यूटी। कैसी कॉन्टिन्यूटी होगी, ऑसिलेटेड डिसकॉन्टिन्यूटी। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारे पास जब LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है तो नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। ठीक है, और LHL और RHL दोनों फाइनाइट है बट इक्वल नहीं है। ठीक है, क्या है, फाइनाइट है बट दोनों इक्वल नहीं है, तो फाइनाइट टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी। अगर LHL और RHL में दोनों में से एक अगर हमारे पास इनफाइनाइट है तो हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या ले रहे हैं, कि लिमिट तो हम फाइंड कर रहे हैं बट वो हमारे पास फिक्स्ड ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, अब हम इनके एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, और हमें किसके ऊपर बात करनी है, x इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ये आप देखें, यहां पे हम ग्राफ ले लेते हैं, इसका ग्राफ के थ्रू जल्दी समझ लेंगे। ये हमारे पास क्या है, 1, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास 3, ये 1, 2 और ये 3। तो ये हमारे पास 0 से 1 के बिटवीन, और ये 1 से 2 के बिटवीन, और ये 2 से 3 के बिटवीन। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास, हम बात किसकी करने वाले हैं, 2 की। तो यहाँ पे देखो LHL आपको क्या दिखाई दे रही है, इसके लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, 2 से लेफ्ट साइड की, तो ये कहाँ अप्रोच कर रही है, 1 में एंड। ठीक है, और जब हम राइट साइड की बात करेंगे, ठीक है, तो ये कहाँ अप्रोच कर रही है, 2 में, तो RHL इज इक्वल टू 2। तो देयरफोर LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, एंड दोनों इक्वल हो गए, और कौन कौन से नंबर, 1 and 2 आर फाइनाइट। कैसे हैं, फाइनाइट, 1 भी फाइनाइट है और 2 भी फाइनाइट है, तो ये कैसा हो गया, 1 and 2 दोनों कैसे हैं, फाइनाइट। देयरफोर फाइनाइट टाइप डिस
कॉन्टिन्यूटी। कैसी है? फाइनाइट टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी। नंबर दोनों अलग अलग हैं, लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों अलग अलग हैं, बट हमारे पास क्या है, ये फाइनाइट नंबर्स हैं, इसलिए फाइनाइट टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ऐसी कॉन्टिन्यूटी हमारे पास कैसी होगी? फाइनाइट टाइप होगी। साथ में इसी ग्राफ से मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जब किसी पॉइंट के ऊपर लिमिट क्या कर जाती है, जंप कर जाती है, जैसे इसके ऊपर वन है लेकिन टू के ऊपर फिर ऊपर जंप कर गई, तो इसको जंप टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी भी बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं? जंप टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी। कैसी बोलते हैं? जंप टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये हमारे पास जंप टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी भी है, लेकिन लेफ्ट और राइट लिमिट फाइनाइट है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं होने से तो सीधा ही बोलेंगे कौन सी है, नॉन रिमूवेबल, ठीक है, और दोनों फाइनाइट है, तो ये कैसी है? फाइनाइट टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी। ओके, और ये जंप कर रहा है ग्राफ, तो ये जंप टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी भी है यहां पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू पाई बाई टू पे अपन चेक करने वाले हैं। टेन एक्स का ग्राफ हमारे पास कैसा है? ये x और ये हमारे पास क्या है, y, ये हमारे पास क्या है, पाई बाई टू, ये हमारे पास क्या है, पाई, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ग्राफ है, ठीक है, किसका, टेन एक्स का। अब हम बात कहां पे करेंगे, पाई बाई टू पे। तो आप देखो इसके लेफ्ट साइड में जाओगे आप, ये लेफ्ट और ये कौन सी है, राइट, ठीक है, तो आप देखोगे एल एच एल हमारे पास कितनी है। अब देखो ये ग्राफ कहां जा रहा है, लेफ्ट साइड में, बिल्कुल प्लस इनफाइनाइट, तो प्लस इनफाइनाइट हो गया। एंड जब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, तो ये क्या हो गया, इसका ग्राफ देखो इस साइड में है ही नहीं, नीचे है, तो ये कहां जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट में, ठीक है। तो देयर फोर एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, नॉट रिमूवेबल क्या हो गई, डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई, बट ये दोनों कैसे हैं, इनफाइनाइट है, तो देयर फोर इनफाइनाइट डिस कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, कैसी है, इनफाइनाइट टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी है। तो हमें क्या चेक करना है कि लेफ्ट लिमिट इन्फिनिटिव, राइट लिमिट कहाँ रही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसके बगल में नीचे जा रहा है, तो माइनस इन्फिनिटिव, तो ये हमारे पास कैसी है, इनफाइनाइट टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। लिमिट इक्वल नहीं होते ही तो नॉट रिमूवेबल हो गई, नॉन रिमूवेबल, और साथ में जब ये इनफाइनाइट है तो हमारे पास इनफाइनाइट टाइप डिसकॉन्टिन्यूटी।